बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लेक्चर नंबर 9 के साथ। ओके, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम तीन चार जो हैं छोटी छोटी मेनली चीज़ें पढ़ेंगे, और तीन चार भी नहीं, मेनली एक्चुअली एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसमें फ़ाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी। मगर जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर मैं ऐप लॉकर को एक क्विक रिव्यू टच देना भूल गया, क्योंकि वो आपकी बुक के अंदर जो है एक छोटे से टॉप पैराग्राफ के अंदर पढ़ाया हुआ है, मगर इस रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं ऐप लॉकर। ऐप लॉकर क्या है कि एक्चुअली अगर मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नोट पैड को यूज़ ना कर सके, ठीक है, मैंने कह दिया जी कोई बंदे को जी हमने नोट पैड अलाउ नहीं करना। तो 2008 से पहले क्या था कि हम जो है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी लगाते थे, बल्कि R2 के अंदर ये ऐप लॉकर का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ क्या था कि मैं एक ब्लैक लिस्ट बना देता था, मैं कहता था जी नोट पैड डॉट एक्जी नहीं चल सकती, या इस पूरी की पूरी जो फाइल है उसका एक हैश बना देता था। हैश के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, हैश क्या चीज़ है। जब मैं उस फाइल का हैश बनाता था तो वो हैश जो सा है वो एक सॉर्ट ऑफ स्क्रैम्बल्ड कोड टाइप की चीज़ मुझे दे देता था। तो अगर कोई नोट पैड को चलाने की कोशिश करता था तो वो हैश या उसका पाथ या उसका फाइल का नाम या एग्जी का नाम वेरीफाई करता था GPIO से और उसको अलाउ या डिसअलाउ कर देता था, ठीक हो गया। अगर कल को कोई जो सा है वो थोड़ा सा टैकी टाइप का नॉन टैकी पर्सन हो, यानी अकाउंट्स में अगर कोई बंदा है जिसको IT के साथ खिलवाड़ करने का बहुत शौक है, तो वो क्या करेगा, नोट पैड 1 या नोट पैड की फाइल जो System32 में पड़ी हुई है उसको कहीं और रख के चला देगा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ, और फिर फर्दर उसके अंदर कुछ और लिमिटेशंस थी। अगर नोट पैड का नया वर्जन आ जाता तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो विंडोज़ 2008 R2 के अंदर ऐप लॉकर का एक प्रॉपर GPIO फीचर ही आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके अंदर आप एज अ वाइट लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। आप कहते हो जी भैया वाइट लिस्ट, मैंने कहा जी सिर्फ ये एप्लीकेशन चल सकें, इसके अलावा कोई ना चल सके, ठीक है। तो आप सिर्फ अलाउड एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं, उसके अलावा कोई एप्लीकेशन अलाउ नहीं करते। ऐप लॉकर का एक फ़नी तजर्बा मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। ये हम लोगों ने नया नया सुना कि ऐप लॉकर आ गया है, खैर नया ही अभी तक। तो हुआ ये कि हमने जी ऐप लॉकर के अंदर ना वाइट लिस्ट बना दी कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो 20 ऐप्स हैं ना ये हर PC पे चलनी चाहिए। अब इसकी अलाउड लिस्ट के अंदर ना हमने प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर नहीं डाला, ठीक है, System32 का फोल्डर नहीं डाला, एक्स विंडोज़ का जो भी फोल्डर्स होते हैं विंडोज़ की रनिंग के वो फोल्डर्स नहीं डाले। हुआ ये कि जब हमने कंप्यूटर ऑन किया तो वो ब्लैंक स्क्रीन पे ऑन हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी वे है हाउ टू कन्फिगर इट, और इसकी कन्फिग्रेशन आपकी लैब में नहीं है, मगर मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे है। और अगर आप में से उसके अलावा भी आप में से किसी का ज़्यादा दिल हो उस चीज़ को सीखने के लिए, तो उर्दू IT Academy की वेबसाइट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के अंडर यूज़फुल लिंक्स के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो ऐप लॉकर का क्विक रिव्यू है टेकनेट का, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू आप सारे के सारे इधर जाके एक दफ़ा क्विक रिव्यू देख लें, मगर मैं आपको एक फास्टर रिव्यू दिखा देता हूँ। आप में से जिसको किसी को सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो वो भी हो जाएगा, और ऐप लॉकर का भी। ये एक सॉर्ट ऑफ पॉलिसी है, GPIO का पार्ट है। मैं आपको डोमेन की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के अंदर जाके दिखाऊंगा, ताकि अगर आप में से कोई इस पर काम करना चाहता है तो आप उसको एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद आप उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी एड रिमूव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगर वंस अगेन कि रियल टाइम डोमेन कंट्रोलर पे ऐसा तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं आप क्विकली आपको डोमेन कंट्रोलर में ले जाता हूँ। आपको पता है ये GPIO एडिटर है, डेफिनेटली कंप्यूटर के अंदर आएगी सिक्योरिटी पॉलिसी। जब आप सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर विंडोज सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको जल्दी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आज का मेन टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे मेन टॉपिक नहीं है फिर हम इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं, एज़ यूजुअल जा रहे हैं। आपकी बुक ने इसको लिटरली एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हम सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जाके सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़, ठीक है, इसके अंदर जो से आप एडिशनल रूल्स, न्यू सर्टिफिकेट रूल, न्यू हैश रूल, न्यू पाथ रूल्स, ठीक है। अगर मैं हैश रूल बनाऊं तो मैंने जो सा फाइल को ब्राउज करके कोई भी नोट पैड की एक फ़ाइल जो सी है System32 के पाथ से दे दूंगा तो वो हैश रूल बन जाएगा, और उसको फिर मैं बताऊंगा कि अलाउ करना है या अनरिस्ट्रिक्टेड, जो भी मैंने सिक्योरिटी सेटिंग करनी है वो कर सकता हूँ, ठीक है। कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशंस को मैं अलाउ करना चाहता हूँ, कौन कौन सी एप्लीकेशंस को डिसअलाउ करना चाहता हूँ, ठीक है। मगर
हम लोगों ने ऐप लॉकर की बात की है। ऐप लॉकर को एज अ ऐप लॉकर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज में नज़र आएगा। एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी का मतलब कि ऐप लॉकर है, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज में जब आप नीचे जाएंगे तो ये आपके पास ऐप लॉकर नज़र आ रहा है, ठीक है। मोर अबाउट ऐप लॉकर, ये बड़ी अच्छी टाइप की हेल्प है। अगर आप में से कोई इसको यूज़ करना चाहे तो ज़रूर उसको अच्छी तरह तसल्ली से पढ़ सकते हैं। कन्फिग्रेशन ऑफ एनफोर्समेंट रूल्स और बहुत अच्छे रूल्स बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल रूल्स, कौन से एग्जीक्यूटेबल रूल, विंडो इंस्टॉलर रूल, इंस्टॉलर रूल्स आप इस पर डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलर रूल क्या कि क्रिएट अ न्यू रूल, ठीक है, बिफोर यू बिगेन, सारी उस आपको कहानी सुनाएगा। अलाउ करना है, एवरी वन को अलाउ करना है। पब्लिश पाथ और फाइल हैश, मैं कहता हूँ जी पब्लिश, ठीक है। मैंने इसको कहा कि मैं से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, मैं सही फाइल है, अगर मेरे पास से एडोब एक्रोबेट रीडर होता तो मैं एडोब एक्रोबेट रीडर का पाथ देने के बाद कहता कि इस वर्जन से ऊपर की कोई भी चीज़ जो सी है वो रन नहीं होने देनी, या इस वर्जन से नीचे की। आपको पता चला आप एडोब के अंदर बहुत सारे एक्सप्लॉइट आते रहते हैं। अभी आप लोगों में से किसी को एक्सपीरियंस हो या ना हो, 4-1 दिन पहले एडोब का एक बड़ा क्रिटिकल एक्सप्लॉइट आया कि अगर आपको कोई एडोब की इन्फेक्टेड फाइल भेज दे तो आपके सिस्टम की होस्ट फाइल को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगर आप में से किसी को पता हो एलएम होस्ट होस्ट फाइल का, उसके कंप्रोमाइज़ होने से काफ़ी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। एनीवे, तो अगर आपको पता चला ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा सबको पुश कर दो पॉलिसी के न्यू एडोब का रीडर इंस्टॉल हो जाए। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं हुआ तो मैं जीपीओ में पुट कर दूँ कि 10.9.1 के उससे नीचे का कोई भी जो एडोब का रीडर है वो यूज़ ना हो सके। सो दिस इज़ हाउ योर ऐप लॉकर वर्क्स, ठीक है। ये पब्लिश्ड रूल है, इसी तरह पाथ का रूल भी आप डिफाइन कर सकते हो, फाइल हैश, मगर ये पब्लिशर रूल जो है सबसे इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर फिर आप पब्लिशर नेम, फाइल नेम, फाइल का वर्जन, इससे अबव वर्जन को चलाने देना है, इससे कम वर्जन को चलाने नहीं देना। सो दिस इज़ हाउ योर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर के ज़रिए आप जो है ऐप लॉकर को कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक टू विंडोज़ स्लाइड्स, कि ये हमारा एक क्विक रिव्यू था ऐप लॉकर का, ये काफ़ी क्विक था और ट्रस्ट मी कि आपकी बुक में भी इससे ज़्यादा क्विक रिव्यू दिया हुआ है। मैंने तो आपको कुछ ज़्यादा बता दिया, उसने तो आपको इसका ये ऑप्शंस भी नहीं बताया, वो उसने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ऐसे काम होता है। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को पता है कि पासवर्ड कितना क्रिटिकल है। जब से ये हमारा आईटी वर्ल्ड बना है उससे बहुत पहले से पासवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। आप में से सबको एनिग्मा मशीन, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के सारी स्टोरियों का पता होगा। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको हिस्ट्री से भी बहुत लगाव है। तो एनीवे, तो हम इन तमाम बातों को कट करने करके हम ज़रा टू द पॉइंट बात करते हैं कि अगर मैं आपको ये पासवर्ड दूँ और आपको कोई ये याद कर लें तो क्या आप में से कितने लोग याद कर लेंगे। कि अगर मेरे जैसा निकम्मा बंदा याद नहीं कर सकता, आप कर लें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होता जाता है उतनी जो सी है उसको याद करने के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स ने या ऑपरेटिंग सिस्टम्स या वेबसाइट सब लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। दैट डिपेंड्स कि आप किस लेवल के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। तो पासवर्ड जो सा है वो कितना सिक्योर करना चाहिए, और एक लेवल से ज़्यादा अगर आप सिक्योर करने लाइक जिस तरह का मैंने ये पासवर्ड दिया हुआ है तो ये इस सिक्योरिटी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करें, से फॉर एग्जांपल आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपने हर बंदे को कहा भाई आपका पासवर्ड इतना बड़ा होना चाहिए और उसमें जो से हैं 10-12 स्पेशल करेक्टर्स भी होने चाहिए। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि मुझे पिछले दिनों कहीं पर पेन टेस्ट का मौका मिला, तो वहाँ पर एक को बड़े बड़े साहब थे, तो बड़े साहब आप में से जो होंगे उनको अंदाज़ा हो गया होगा। उन्होंने मुझे कहा कि मोस्ट ऑफ़ द डिक्शनरी अटैक, उनके पास हम लोगों ने कहीं कोई क्रैकिंग कर रहे थे तो उसमें ब्रूट फोर्स अटैक की ज़रूरत पड़ी और हमने जो सा है 64 GB की जो सी है वो ब्रूट फोर्स के लिए जो पासवर्ड गेसिंग की फाइल थी वो यूज़ की थी, और वो पासवर्ड काफ़ी सिक्योर था, वो क्रैक नहीं हो सका। एनीवे, तो वो उसमें एक बंदा एक जो सा सिक्योरिटी बाय ऑब्सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने मुझे एक मशवरा दिया कि जो सा है अगर आपने कोई पासवर्ड या कोई चीज़ रखनी है तो उसमें जो सा है अगर आप यूरोप में हैं तो यूरो साइंस, अगर पाउंड साइन या इस तरह के करेक्टर्स रखेंगे, डॉलर साइन ना रखा करें। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ बहुत सारे डिक्शनरी अटैक्स की जो फाइल्स होती हैं वो US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, तो उसमें अक्सर जगह ये जो है डॉलर साइन यूज़ हो रहा होता है, वो पाउंड सिंबल या कोई यूरो का सिंबल जो सा है वो यूज़ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो उनके यहाँ नॉर्मल नहीं है, कीबोर्ड पे नहीं होता। एनीवे, वेल इट डजेंट मीन कि आपका पासवर्ड फिर भी सिक्योर है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इस पासवर्ड को फाइंड आउट करना कि पासवर्ड जो सा है वो कितना सिक्योर है, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक वेबसाइट है। अब मुझे नहीं पता आप में से किसी को याद पता हो, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऑसैप के नाम पे, ठीक है। ये खैर नॉन प्रॉफिट टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बड़ी कंसर्न रहती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सिक्योरिटी इंक्लूडेड होनी चाहिए और ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसका एक राइटर था, उसने ये तमाम अपनी प्रोडक्ट्स ओसैप को दे दी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट है। वेबसाइट पे जाएं, अगर आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो गया, आई कॉन्ट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल पीसी पे ना कीजिएगा, पर्सनल पीसी पे कीजिएगा। पास फॉल्ट एनालाइजर एक वेबसाइट है, इसका लिंक जो है वो मैंने यूजफुल लिंक्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको जो से फॉल्ट्स हैं वो एनालाइज करके दे देता है, ठीक है, कि अगर मैं ये पासवर्ड रखूंगा तो ये कितनी देर में क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपकी जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या बींग अ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड आपके लिए बहुत क्रिटिकल चीज़ है, आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसको मेंटेन करने का सबसे उसको मेंटेन करने से पहले आपको एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। वन इज कॉल्ड हैश्ड फॉर्मेट। हैश्ड फॉर्मेट ये होता है कि अगर मैं उसको एक पेज का डॉक्यूमेंट दूँ, ठीक है, वो एक मशीन से गुजारेगा, ठीक है, मशीन सॉर्ट ऑफ प्रोसेस से गुजारेगा या फनल से गुजारेगा, और मुझे रिजल्टेंट ना कोई एक ऐसा सा कोड दे देगा, AB123#$37654261, तो ये मुझे एक हैश मिल जाएगा, या हैश आप इसे कह लो कि ये मेरा एक हैश है, ठीक है, MD5 हैश, ठीक है। MD5 के अलावा और बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं, प्रोटोकॉल्स नहीं उसे कहते, एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है। और कोई भी दुनिया में दो टेक्स्ट ऐसे नहीं हो सकते जिनका हैश सिमिलर हो। अगर ऐसा हो तो हम उसे कहते हैं कि ये जो हैशिंग एल्गोरिदम है ये कंप्रोमाइज्ड हो गया है, कि दुनिया में कोई दो बंदे एक ऐसा हैश प्रोड्यूस कर लें जो सिमिलर हो मगर टेक्स्ट डिफरेंट हो, तो इससे कंप्रोमाइज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पासवर्ड होती है वो कभी भी पासवर्ड जो होता है या होती है वो पासवर्ड कभी भी जो सा है वो अपने पास सेव नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप पासवर्ड दो, से मैंने कहा मैंने अपना एक पासवर्ड रखा पासवर्ड, तो वो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट इस पासवर्ड को इस फनल में डालेगा और उसका हैश बना के अपने पास रख लेगा। कहाँ रखेगा वो, अपनी एक सैम डेटाबेस टाइप की चीज़ होती है, सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजमेंट डेटाबेस, उसमें रख लेता है, ठीक है। अब जब आप लॉग इन होते हो, मेरा यूज़र नेम है काशिफ, ठीक है, और आप उर्दू आईटी एकेडमी पे लॉग इन हुए, अपना अपना पासवर्ड दिया पासवर्ड, ठीक है, आपके पासवर्ड का हैश बनेगा और हैश आपके नेटवर्क पे ट्रेवल होगा, ठीक है। हैश आपके नेटवर्क पे ट्रेवल होगा, आपके कंप्यूटर के पास जाएगा, जो भी स्टोरी होगी कंप्यूटर उसको वेरीफाई करेगा अपनी डेटाबेस में से, क्या ये वही हैश है। जब वो वही हैश होगा तो फिर उसको प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। एनीवे, तो आप अगर आपने कि आप में से किसी ने उस हैश वैल्यू को आप में से किसी ने उस हैश वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो आप उसको रिवर्स इंजीनियर कभी नहीं कर सकते। हैश की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हैश कैन नॉट बी रिवर्स इंजीनियर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आजकल क्वेश्चन करते हैं, आप इंटरनेट की वेबसाइट पे बहुत जगह क्वेश्चन देखेंगे, ओ क्रैक द MD5 हैश। मैं हैकर नहीं हूँ, आई हैवंट कम अक्रॉस विद अ सिंगल पर्सन हु कैन से ही हैज फाइंड अ सोल्यूशन टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ हैशिंग। माइंड दैट आई एम यूजिंग अ वर्ड रिवर्स द प्रोसेस, ठीक है। CIA पेंटागॉन के पास है, मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट वर्क फॉर देम, ठीक है। तो MD5 अगर मेरे पास एक पासवर्ड है, ठीक है, और उसको मैंने वो हैशिंग की टनल से गुजार के उसका हैश MD5 बना लिया है, तो कैन इट बी रिवर्स्ड? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मगर इसको क्रैक करने का तरीका क्या है, इट कैन बी ब्रूट फोर्स्ड, ठीक है, ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। ब्रूट फोर्स क्या, अगर मेरे पास एक पासवर्ड का हैश है जो कि इजीली पकड़ा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास एक पासवर्ड का हैश है और इस पासवर्ड का अब मैंने ओरिजिनल पासवर्ड निकालना है कि इस हैश से पासवर्ड क्या बनता है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 सारे कम्बिनेशन लगाना शुरू कर दूंगा। जिस तरह ही मैं एक ऐसे कम्बिनेशन पे के पास जाऊंगा जो रियल पासवर्ड होगा, और मैं जब उस हैश को इस पड़े हुए हैश से कंपेयर करूंगा, तो मैंने पासवर्ड क्रैक कर दिया। इट्स नॉट एन MD5 हैशिंग क्रैकिंग, ठीक है, ये MD5 क्रैक नहीं हुआ, ये ब्रूट फोर्स हुआ, ठीक है। एनीवे, माइक्रोसॉफ्ट जो सा है वो उस हैश को वन वे फॉर्मेट में सेव करती है। वन वे फॉर्मेट का क्या मतलब है, कि यानी वो पासवर्ड का हैश तो बनाया जा सकता है, सही मैं कहता हूँ ये मेरा हैश है, मगर इस हैश से दोबारा पासवर्ड जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आपकी GPO के अंदर ग्रुप पॉलिसी के अंदर एक ऑप्शन होता है, स्टोर पासवर्ड यूजिंग अ रिवर्सेबल इंक्रिप्शन पॉलिसी, बहुत डेंजरस है, नेवर एवर डू इट अनटिल अनलेस इज रिक्वायर्ड। मसलन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ हो रहे होते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए यूज़र के पासवर्ड को यूज़ करते हैं,
आप चाहते हो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट उस पासवर्ड को रिवर्सेबल इंक्रिप्शन फॉर्मेट में रखे। रिवर्सेबल इंक्रिप्शन का क्या मतलब, कि वो हैश हुआ हो मगर वो हैश दोबारा उससे पासवर्ड जनरेट किया जा सके। ठीक हो गया? अगर आपका सिस्टम, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी आपके सिस्टम को ऐसे सेव कर ले तो आपका पासवर्ड सिक्योर नहीं होता, मगर कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको मेंटेन करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन्स द प्रीवियस 24 हैश कोर्स के, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट को कहा हुआ 24 पुराने पासवर्ड याद रखने दो, वो पुराने जो से 24 पासवर्ड्स का हैश अपने पास रखता है। तो अगर आपने पहली दफ़ा पासवर्ड रखा, दूसरी दफ़ा पासवर्ड 2 कर दिया, फिर पासवर्ड 3, 4, 5, 6, 7, जब आप दोबारा 10वें अटैम्प्ट में पासवर्ड 1 रखना चाहोगे तो वो नहीं रखने देगा, उसने उसके पास प्रीवियस हैश होगा, तो उससे उसे पता चल जाता है कि उसने कितने पासवर्ड्स की हिस्ट्री अपने पास मेंटेन की हुई है। इन शॉर्ट ये कि माइक्रोसॉफ्ट उसे अपने हैश्ड फॉर्मेट में रखती है। आगे चलते हैं, ये सारी स्टोरी पढ़ाने का मकसद क्या है, ये पासवर्ड की। विंडोज 2008 के अंदर R2 के अंदर ही एक नया फीचर आया, आई थिंक ये विंडोज 2008 में भी था, R2 और 8 दोनों के अंदर ये फीचर था, फाइन ग्रेन पासवर्ड एंड लॉकआउट पॉलिसी। अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर है तो आपके पास जो डोमेन की डिफॉल्ट पॉलिसी है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो इफेक्ट करती है ऑल यूजर्स को कंटेन इन द डोमेन, आप उसके ऊपर पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हो। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी क्या है कि भाई आपका यूज़र नेम जौन सा है वो कितने करेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, यूज़र की जौन सी है अटेम्प्ट्स अगर 3 हो, 3 ट्रायल अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट लॉकआउट कर दे, कितनी ड्यूरेशन के लिए अकाउंट लॉकआउट करे, अगर पासवर्ड यूज़ किया है तो कितने करेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, और बहुत सारे फीचर्स मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब मसला ये है, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट तो सारा कुछ तमाम यूज़र्स के लिए नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट होती है। ठीक है, डिबेट ये है कि अब क्या मैं पासवर्ड को बहुत कॉम्प्लेक्स रखूं? अगर मैं पासवर्ड को बहुत कॉम्प्लेक्स रखूं और हर बंदे को चाहूं कि हर 15 दिन के बाद वो पासवर्ड चेंज करे, तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि यूज़र बहुत ईजी पासवर्ड रखेगा या यूज़र उस पासवर्ड को अपने पास नोट कर लेगा? अगर किसी ने नोट कर लिया तो सब ईजी ईजीली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रैक हो जाएगी, कोई भी जो सा है उस पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक या वैसी सोशल इंजीनियरिंग अटैक करेगा तो उसको वो पासवर्ड मिल जाएगा। अक्सर दफ़ा मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट का मौका मिला, और हमें हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि जब हम किसी डिपार्टमेंट को विजिट करते हैं जो बहुत बिजी है, तो वहाँ हम अक्सर व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो पासवर्ड लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत बहुत रिसेंट एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन कोट दैट वन, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी टाइप की पिक्चर थी और उसके पीछे जो था कहीं पे पासवर्ड लिखा हुआ था। एनीवे, तो यूज़र अकाउंट पासवर्ड रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल यूज़र ओवरराइड द डोमेन पॉलिसी। अगर मैंने एक यूज़र के ऊपर पासवर्ड रिलेटेड पॉलिसी लगाई हुई है, ठीक है, यही फाइन ग्रेन पॉलिसी के जरिए, ठीक है, तो वो जो सी है वो ओवरराइड कर जाएगी, ओवरराइड कर जाएगी जो से है अकाउंट ग्लोबल पॉलिसी पे। सेम मैंने कहा, डोमेन पॉलिसी कहती है कि यूज़र का पासवर्ड जो सा है वो 30 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए, मगर मैं यूज़र की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके कह देता हूँ पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो ये वाली चीज़ की ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी उसके ऊपर। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट अ पास पार्ट ऑफ अ फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी, ये सिंपल यूज़र प्रॉपर्टीज के अंदर है, यूज़र को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज। अब फाइन ग्रेन पॉलिसी क्या होती है? फाइन ग्रेन पॉलिसी ये कि मैंने कहा मेरी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तमाम यूजर्स के ऊपर कोई खास सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें कहा कि उनका पासवर्ड जो सा है वो 1 साल के लिए वैलिड हो, ठीक है, उनका पासवर्ड 15 करेक्टर्स से ज़्यादा ना हो, बेशक 15 करेक्टर्स हो या 10 करेक्टर्स का कह दिया, उनका पासवर्ड जो सा है 4 दफ़ा ट्रायल अटेम्प्ट के बाद लॉक हो जाए। मैं चाहता हूँ अब जो मेरे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डोमेन एडमिन्स हैं, उनका जो पासवर्ड है उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी यूज़र का किसी ने पासवर्ड पकड़ लिया तो वो डोमेन को फॉर्मेट नहीं कर सकता, यूज़र अकाउंट नहीं बना सकता, यूज़र का पासवर्ड रीसेट नहीं करता, मुझे कम डैमेज होगा। हालांकि जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर की बात करता हूँ तो मुझे बड़ा डैमेज होगा अगर किसी ने मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड गेस कर लिया या एडमिनिस्ट्रेटर्स में से किसी का पासवर्ड गेस कर लिया। ठीक है, जिन लोगों को हायर प्रिविलेजेस हैं ऑन द डोमेन, ऑन द रिसोर्सेज, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस सेट ऑफ यूज़र्स के ऊपर पॉलिसी लगा दी। ये 2008 से पहले पॉसिबल नहीं था, अगर आपने ये पॉलिसी लगानी थी तो आप तमाम यूजर्स के ऊपर लगाते थे। अब फाइन ग्रेन पॉलिसी जो सी इम्प्लीमेंटेशन होगी जीपीओ के जरिए, जीपीओ के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है, ये फाइन ग्रेन पॉलिसी जो सी ये जीपीओ के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ये एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट क्लास यूज़ करती है, यानी ऑब्जेक्ट्स है ना जो, उसकी एक डिफरेंट क्लास यूज़ करती है, इज कॉल्ड अ पीएसओ, पासवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी हमने
एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पीएसओ को मॉडिफाई करना है और उसको हम लिंक करेंगे एक यूजर ग्रुप के साथ, ठीक है। तो उन यूजर्स के ऊपर वो स्पेसिफिक पासवर्ड पॉलिसी लग जाएगी, ठीक है। अब एक दफा दोबारा क्विकली रिवाइज करता हूँ कि पासवर्ड की पॉलिसी तमाम यूजर्स पे लगती है डोमेन के, कहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है, जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की जीपीओ के अंदर जो डिफॉल्ट पॉलिसी थी वहाँ पे हम पासवर्ड पॉलिसी लगाते हैं, पहले ये होता था, अब भी यही होता है। मगर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप दो सेट ऑफ पासवर्ड पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप एक कहते हो ये सब यूजर्स के लिए हो जाए, फिर एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी बनाना चाहते हो स्ट्रिक्ट किस्म की, मगर वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हो जिनको डोमेन पे रिसोर्सेज पे परमिशन है या जो एडमिन्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसी लगानी पड़ेगी। वो पॉलिसी जीपीओ से नहीं लगेगी और वो पॉलिसी कहलाएगी फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। वो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की एक क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड पीएसओ, पासवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्ट, उसके जरिए लगती है, ठीक है। अब अगर आपके पास से मैंने कहा मेरे पास कोई तीन किस्म के सेट ऑफ यूजर्स हैं, एक एडमिन वन है, एक एडमिन टू है और एक एडमिन थ्री है। एडमिन थ्री वो लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रोल पे काम कर रहे हैं जिनको भाई फुल फ्लेज डोमेन कंट्रोलर के फुल फ्लेज राइट है। मैं इनके ऊपर एक सेट ऑफ पॉलिसी लगा देता हूँ, इन पे एक सेट ऑफ पॉलिसी लगा देता हूँ, इन पे एक सेट ऑफ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? पासवर्ड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा अच्छा पासवर्ड लिखा है मैंने, पासवर्ड लिख के दिखा देता हूँ जी, पासवर्ड पॉलिसी। कहा कि आजकल हम लोग राइटिंग ठीक करवा रहे हैं, अगर उसने डैड की राइटिंग देख ली तो वो कहेगा मेरी क्यों ठीक करा रहे, अपनी करो पहले। एनीवे, तो जिनाब पासवर्ड पॉलिसी जो सी है वो फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी से मुराद कि डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स पे आप डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसीज लगा सकते हो, ठीक है। मगर ये पॉलिसी जीपीओ से नहीं लगती, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग अ फाइन ग्रेन पॉलिसी पीएसओ, ठीक है, पीएसओ पासवर्ड सेटिंग जो सी है वो मैनेज होती है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंटरफेस एडिटर से, एएसडीआई एडिटर, एएसडीआई एडिटर है, हम उसको देखेंगे कि कैसे है, उससे कैसे काम करते हैं। अच्छा, वो जोन सा है ना वो एक थोड़ा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, उसमें थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ता है, हम उसमें भी काम करेंगे। और उसके अलावा एक जोन सा एक और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड सीकोप्स, स्पीकोप्स, SPECOPS, ठीक है। ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट के जो मैनेजमेंट टास्क से रिलेटेड ना कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाती है और उन सॉफ्टवेयर्स को इजी टू यूज़ करती है, यानी वो GUI टाइप के सॉफ्टवेयर बनाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसको इस सॉफ्टवेयर, इसका एक सॉफ्टवेयर है, इस कॉल्ड स्पीकॉप पासवर्ड पॉलिसी बेसिक, ये फ्री टूल है, ठीक है। और ये हमारे यूजफुल लिंक्स के अंदर इसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें तो आपको इस तरीके से अपनी PSO बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट पासवर्ड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स के, हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पासवर्ड पॉलिसी हमने जीपीओ से लगाई भी है, ठीक है, जीपीओ से पासवर्ड पॉलिसी लगा दी। अब हम चाहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर जो पॉलिसी लगाएं वो जीपीओ वाली पॉलिसी तो लग ही रही है, उससे भी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी लगा लें। अब हम जीपीओ में जाकर लगाएं तो बेचारे तमाम यूजर्स को रगड़ा निकलेगा, हालांकि उनके अकाउंट इस काबिल ही नहीं है, बेचारे रन कमांड भी नहीं खोल सकते, उनको सर्वर्स पे भी एक्सेस हासिल नहीं है, ठीक है। तो उनके ऊपर बिला वजह पॉलिसी लगा के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सी पॉलिसी की प्रेसिडेंस है, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप पॉलिसी लगी हुई और पीएसओ लगी हुई है, ठीक है, तो पीएसओ की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मेरे पास एक या दो से ज़्यादा पीएसओ लगी हुई है, से मैंने कहा ये मेरे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पीएसओ लगा दी, ठीक है, इसके ऊपर पीएसओ लगा दी, ठीक है, पीएसओ ज़ीरो, ठीक है, अगले पे लगा दी, उसी ग्रुप के ऊपर एक और पासवर्ड पॉलिसी लगा दी, दैट इज कॉल्ड पीएसओ वन, उसी ग्रुप के ऊपर एक और लगा दी पीएसओ थ्री, तो किसको प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी प्रेसिडेंस होगी। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के ऊपर पीएसओज लगेंगी तो जो हायर नंबर वाली पीएसओ होगी उसको जौन सा है हायर प्रेसिडेंस होगी, ठीक है। तो इस जो पीएसओ आपके अकाउंट के ऊपर फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट पीएसओ। कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर हूँ मगर मैं उसके अलावा जो सा है उस ग्रुप के ऊपर जो सा तीन जीपीओज लगी हैं, पीएसओज लगी हैं, पीएसओ 0, 1, 3, ठीक है, तो मेरी रिजल्टेंट पीएसओ कौन सी होगी, मेरी रिजल्टेंट पीएसओ पीएसओ 3 होगी, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट पीएसओ देखने का तरीका क्या होता है वो दिखाएंगे। एमएसडीएस रिजल्टेंट पीएसओ एक एट्रीब्यूट होता है यूजर अकाउंट का, उसमें से निकलेगी, ठीक है।
और अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरे पास दो PSOs लगी हुई हैं जो मेरे अकाउंट पे हैं, सेम मैंने कहा मैं दो ग्रुप्स का मेंबर हूँ और दोनों ग्रुप्स पे PSO लगी हुई है, अब मेरे पे कौन सी इंप्लीमेंट होगी? दोनों ग्रुप्स पे PSO जो सी है वो जीरो है, तो वो PSO हर ऑब्जेक्ट या हर एट्रीब्यूट की एक GUID होती है, ठीक है, एक नंबर होता है, 1632 डिजिट का होता है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो वो PSO जिसकी GUID सबसे छोटी होगी, ठीक है, वो विन कर जाएगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी। से मैंने कहा ये मेरी PSO थी, इसकी वैल्यू थी 10119237649 और इसकी थी 10119237648, तो ये विन कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी GUID स्मॉलर है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है PSO लगाने किधर है? PSO कैन नॉट बी लिंक टू द OU, OU पे नहीं लग सकती। कैन बी अप्लाई टू द सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप पे लगाई जा सकती है। अगर मैं मेंबर ऑफ ग्रुप हूँ, से मैंने कहा मैं डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर हूँ, तो मैं डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर हूँ, इस पे लगाई जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि अगर मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, मैं उसके अंदर कोई 20 यूजर्स डाले में, मगर वो 20 यूजर रंग बिरंगे डिफरेंट ग्रुप से आ रहे, मैं हर एक एक ग्रुप पे लगाना नहीं चाहता, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर कोई तीन चार कैटेगरीज के लोग हैं, मैं वो भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ इस OU के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लगाऊंगा? माइंड दैट PSO सिर्फ ग्रुप्स के ऊपर लगती है, सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर। तो आप में से जो लोग ऐसे कर रहे हैं उन्हें याद नहीं है बात। आपको याद है मैंने एक टर्म पढ़ाई थी, शेडो ग्रुप। शेडो ग्रुप क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड शेडो ग्रुप, मगर ये ओरिजिनल ग्रुप नहीं होता, ये शेडो ग्रुप होता है, ठीक है। शेडो ग्रुप ओरिजिनल ग्रुप में क्या फर्क है ये मैं बता चुका हूँ आपको, असूलन तो मुझे ये शेडो ग्रुप बता के चुप हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपने किसी सेट ऑफ यूजर जो विद इन अ सिंगल OU है, उन उन पे आपने पॉलिसी लगानी है जो डिफरेंट ग्रुप से हैं, और आप ग्रुप से नहीं लगाना चाहते, तो OU से एक एक्सट्रैक्ट करें शेडो ग्रुप और उस शेडो ग्रुप के ऊपर लगा दें, ये काम किया जा सकता है। अब हम जरा क्विक क्विक लैब की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लैब को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आपके पास 2008 सर्वर है, तो आपने उसका डोमेन फंक्शन लेवल 2008 तक एलिवेट करना है। अगर उसका डोमेन फंक्शन लेवल 2008 नहीं होगा, तो फाइन ग्रेन ग्रुप पॉलिसी नहीं लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको सर्वर की तरफ, सर्वर में जाने से पहले मैं आपको जरा क्विकली ये पासवर्ड डेमो जो एनालाइजर की बात बता रहा था ये लेके गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अगर मैंने अब कहा कि मेरा पासवर्ड है उर्दू IT, और इसको मैं एनालाइज करूँ कि कितनी देर में ये क्रैक होता है, तो वो बता रहा है कि लेस देन अ 1 डे जो सा क्रैक हो जाएगा। पासवर्ड के पैटर्न 309 मिलियंस हैं, और ये रैंडम करेक्टर्स लैटिन के अंदर डिक्शनरी में मिला, और जब इसको देखते हैं तो ये देखो पैटर्न क्लासिफिकेशन लैटिन के अंदर आ रहा है ये। अगर मैंने कहा से मैंने कहा मैं अब एक पासवर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया इसको एनालाइज करके बताओ कि कितनी देर में वो क्रैक करता है, तो जी इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए इतनी सेंचुरीज लगेंगी, 363 नैनो पैटर्न्स हैं, ये मेरे हॉटमेल का पासवर्ड है, ठीक है। तो अब आप में से जो क्रैक करना चाहता है वो मेरे मेरा हॉटमेल का अकाउंट कैसे क्रैक करेगा, यू नोज इट, ठीक है। तो आपको जो सिंपल कंप्यूटर के ऊपर जो है CIA ने कर लिया, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर ये आप बता रहा है यू आर, उसके अंदर दो करेक्टर्स हैं, DUITS के दो करेक्टर्स हैं। एनीवे आई वाज जस्ट किडिंग, ये मेरा हॉटमेल का पासवर्ड नहीं, मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा, मैं कभी ऐसी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, इसीलिए कभी अपने ओरिजिनल पासवर्ड डालने की कोशिश ना करना, ठीक है। तो वो नीचे बता रहा है कि आपके मैचेस जो से हैं कैसे हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि किसी ने अपना पासवर्ड पासवर्ड नाइन पासवर्ड के साथ कुछ करेक्टर्स डाल के देखते हैं, पासवर्ड 1 2 3 5 pound dollar % दिस दिस दिस, लेट्स एनालाइज इट। तो वो वर्ड पासवर्ड की वजह से जो है उसका एनालिसिस कम हो जाएगा, मगर फिर भी देखो कितनी सेंचुरीज लगेंगी, 11 सेक्सटिलियन जो से हैं उसके करेक्टर्स हैं, और 125 pound पाउंड साइन, देखा पाउंड साइन डालने की वजह से कितना फ़र्क पड़ गया। अगर मैं सिर्फ पासवर्ड 1 2 3 डॉलर डॉलर करके
एनालाइज करूँ तो उसके शायद लेस देन अ डे 11 बिलियन करेक्टर्स, क्योंकि 1 2 3 डॉलर बड़ा कॉमन है, ठीक है। अगर इसी को पासवर्ड 1 2 3 pound dollar कर दूँ तो उसको एनालाइज करने में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना लगेगा? लेस वेट एंड सी। मेरे ख्याल में उसको भी एक ही दिन लग रहा है, या नहीं अभी तक उसने कैलकुलेट नहीं किया। एनीवे वो वेबसाइट माइंड कर गई है, जो भी चक्कर है। तो ये अब उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पास फॉल्ट्स के नाम पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी उससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है, और वंस अगेन अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ओरिजिनल पासवर्ड डाल के चेक करना, मुझे इल्ज़ाम नहीं देना। अच्छा, अब मैं लेके जाता हूँ सबसे पहले आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में, ठीक है। और ये डोमेन कंट्रोलर ज़रा मैंने दोबारा इमेज से रिस्टोर किया था, पुराना डोमेन कंट्रोलर जो सा बेचारा क्रैश कर गया था। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर लेके जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले आपने एक्शन फॉर्म व्यू के अंदर एडवांस फीचरिंग एनेबल कर लेनी है, ठीक है। व्यू के अंदर एडवांस फीचर एनेबल कर लेना, ठीक है। फिर यूजर्स में जाना है एडमिनिस्ट्रेटर, और उसको राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। और एट्रीब्यूट एडिटर में चले जाएं। एट्रीब्यूट एडिटर में जाके आपने फिल्टर के अंदर जाके कंस्ट्रक्टेड क्यूरीज पे क्लिक करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एट्रीब्यूट्स, जब आप कंस्ट्रक्टेड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको याद होगा मैंने आपको MSDS रिजल्टेंट PS बताया था, ठीक है। तो MSDS रिजल्टेंट PS वो पॉलिसी है जो हमारी PSO की है, ठीक है। MSDS रिजल्टेंट PS, ठीक है, ये रिजल्टेंट PSO। जब आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो आपके पास नॉट सेट का पैरामीटर आ रहा होगा कि आपने सेट ही नहीं की हुई अभी तक। तो हम मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हम कैसे सेट करेंगे इसे, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट PSO जो सी है, फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी जो सी है, वो इसके ऊपर लगी हुई है, तो आपके पास नहीं लगी होगी। तो आपने पहला काम क्या करना है कि जाके ये चेक करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया, और उसके बाद फिर आपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट को क्लिक करना है। यहाँ पे जाके अपनी डोमेन को राइट क्लिक करना है, रेज डोमेन फंक्शन लेवल, और करंट डोमेन फंक्शन लेवल आ रहा होगा विंडोज 2003। तो आपने क्लिक करना है कि भाई मेरे डोमेन फंक्शन लेवल को विंडोज 2008 R2 पे एलिवेट कर दो, और रेज का बटन दबाएंगे आपका डोमेन फंक्शन लेवल रेज हो जाएगा। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी रिबूट करा दी जाए इस फंक्शन के बाद। तो जब आपका ये काम नहीं हुआ होगा, अगर आपने ये काम मिस कर दिया, तो आप अपनी PSO इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये काम कंप्लीट हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, हम जी एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप देखते हैं हम, डोमेन एडमिन्स का जो ग्रुप है, हम चाहते हैं जो लोग डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर हैं वो हर चीज़ कर सकते हैं, या एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर हैं वो मेरी मल्टीपल डोमेन में फंक्शन कर सकते हैं, उनके ऊपर एक ऐसी पॉलिसी लगा दी जाए कि उनका पासवर्ड ईजी टू गेस ना हो, ठीक है। उसका मैंने एग्जाम्पल ये दी कि आप ये पेज फॉल्ट टाइप की चीज़ें देख लें, फॉल्ट पास फॉल्ट के नाम पे ये टूल देख लें, तो ये आपको एक ऐसा पासवर्ड बताएगा जो सेंचुरीज में डिक्रिप्ट होगा यूजिंग अ नॉर्मल कंप्यूटर पावर्स, या एनीवे। तो अब हमने जी GPO PSO इंप्लीमेंट करनी है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि GPO से नहीं होती, मगर मैं डिफ़ॉल्ट पॉलिसी आपको सेट करनी दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है, तो डोमेन की डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी खोलें, पॉलिसीज़ के अंदर जाएं, विंडोज सेटिंग्स के अंदर होती है, और सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर अकाउंट पॉलिसीज़, अकाउंट पॉलिसीज़ के अंदर ये पासवर्ड पॉलिसी, एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री कि 24 पासवर्ड जो से रिमेंबर रखे, और मैं पासवर्ड 24 से पहले रिपीट नहीं कर सकता, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद पासवर्ड एज कितनी होनी चाहिए, 42 डेज़ के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, यूज़र को अब मैसेज आया और वो 42 डेज़ के बाद दोबारा अपना नया पासवर्ड रखें। मिनिमम पासवर्ड एज, पासवर्ड एक दिन ओल्ड होना चाहिए, उससे पहले पासवर्ड को चेंज ना किया जा सके। या मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 करेक्टर्स, ठीक है। पासवर्ड मस्ट मीट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप यहाँ देख सकते हो कि 4 करेक्टर्स और स्पेशल करेक्टर्स और नंबर्स उसमें ऐड होने चाहिए, ठीक है। स्टोर पासवर्ड यूजिंग अ रिवर्सिबल इंक्रिप्शन, नेवर एवर रिकमेंडेड फीचर, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल की होती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये तो नॉर्मल यूजर्स हैं, मगर मैं चाहता हूँ मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ये जो सेटिंग्स है ना, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड किस्म की लगाऊं, यानी वो 7 करेक्टर नहीं, उसका पासवर्ड मिनिमम 15 करेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। और उसका पासवर्ड जो सा से मैंने कहा चलो जी 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाए, उसकी पासवर्ड की हिस्ट्री जो सी है वो 30 पासवर्ड्स तक सेव करे, ठीक है। ये वो तमाम सेटिंग है। अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, ठीक है, अकाउंट अगर लॉक हो जाए तो कितनी देर के लिए लॉक रहे,
लॉकआउट थ्रेशहोल्ड कि अगर 3 दफ़ा इन गलत पासवर्ड डाले तो वो सारा कुछ ठीक है। ये आप सारी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करके कर सकते हो। अगर मैं ये पढ़ाने लगूँ तो फिर पता नहीं कितनी देर लगेगी। अब हम PSO बनाने की तरफ चलते हैं। मुझे ये सर्वर मैनेजर एक बंद कर लेने दें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके ADSI एडिटर, ठीक है, ADSI एडिटर के अंदर जाके ये आपके डोमेन के अंदर चला जाएगा। कभी कभी ये होता है कि आपसे ये डोमेन का नाम पूछ रहा होता है, तो कनेक्ट टू डिफॉल्ट डोमेन नेम, डोमेन का नाम दे दें urduitacademy.com, आपके पास जो भी है, ठीक है, आपके पास डोमेन से कनेक्ट हो जाएगा। डोमेन से डोमेन कंट्रोलर में आ जाएं, डोमेन कंट्रोलर के बाद सिस्टम्स में आ जाएं, और सिस्टम्स के बाद पासवर्ड सेटिंग कंटेनर में आ जाएं। पासवर्ड सेटिंग कंटेनर में आके राइट क्लिक करें, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, MSDS पासवर्ड सेटिंग, ठीक है, और पासवर्ड सेटिंग के बाद यहाँ पर उसको नाम दे दें, ठीक है, यूनिकोड स्ट्रिंग, आप इसको पासवर्ड नाम दे दें। से मैंने कहा मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है, डोमेन एडमिन्स, बल्कि डोमेन एडमिन नहीं, एंटरप्राइज एडमिन, एंटरप्राइज एडमिन्स, मैं चाहता हूँ मैं अपने एंटरप्राइज एडमिन्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ। पासवर्ड सेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगी, पासवर्ड सेटिंग प्रेसिडेंस, सॉरी प्रोसीजर कह रहा हूँ, प्रेसिडेंस कितनी होनी चाहिए, सेम मैंने कहा 1 होनी चाहिए प्रेसिडेंस। पासवर्ड रिवर्सेबल इंक्रिप्शन स्टेटस फॉर द यूजर अकाउंट, रिवर्सेबल इंक्रिप्शन रखनी है या नहीं, मैंने कहा नहीं, और इसका स्टेटस है सेंटेक्स है बुलियन, तो आपने कहना है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो जाए, आप नेक्स्ट का बटन दबाएं। पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ फॉर द यूजर अकाउंट, यूजर की पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा जी 30, ठीक है, हमने कहा भाई एंटरप्राइज एडमिन है तो उसके पास लास्ट 30 पासवर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए। पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी स्टेटस फॉर द यूजर अकाउंट बुलियन वैल्यू है अगेन, तो आपको कहना पड़ेगा ट्रू, बुलियन वैल्यूज वो होती हैं जो ट्रू और फॉल्स होती हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ फॉर द यूजर अकाउंट, मैं कहता हूँ जी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ना 30 करेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली 30 करेक्टर का पासवर्ड याद नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई स्टोरी लिखनी शुरू कर दें, ठीक है। मैक्सिमम पासवर्ड एज फॉर द यूजर अकाउंट कि पासवर्ड एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, पासवर्ड एज से मैंने कहा 1 डे कर देता हूँ, ठीक है, 1:00:00:00:00, ये जो डे या ड्यूरेशन फॉर्मेट जो है वो कुछ ऐसे आता है, अगर आप सिंपल 1 लिख के छोड़ देंगे तो वो नहीं मानेगा, एक दिन घंटे मिनट और सेकंड्स आएंगे, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम पासवर्ड एज फॉर यूजर अकाउंट कि यूजर अकाउंट की पासवर्ड एज कितनी होनी चाहिए, कितनी देर के बाद यूजर ने पासवर्ड चेंज करना है, मैंने कहा जी ये मैं कहता हूँ 100 दिनों के बाद करते हैं, ठीक है, 100 दिन अच्छे नहीं है यार, 60 दिनों के बाद चेंज करना है, ठीक है, नॉर्मली इतना बड़ा पासवर्ड जो है 60 दिन भी ज्यादती है। लॉकआउट थ्रेशहोल्ड कि अगर यूजर लॉक हो जाए तो मैंने कहा जी फिर एक एक घंटा या एक दिन जो भी करना चाहते हो, ठीक है, 1 or more value आर नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, लॉकआउट थ्रेशहोल्ड, इंटीजर वैल्यू देनी है, ड्यूरेशन नहीं देनी, मेरी गलती है, माई मिस्टेक, इंटीजर वैल्यू देनी है, ड्यूरेशन नहीं देनी, जहाँ पे ड्यूरेशन देनी वहाँ पे टाइम देना है, ठीक है, ये कि भाई लॉकआउट थ्रेश होल्ड कितना होना चाहिए, फिर दोबारा ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ये है कि विंडोज ऑब्जर्वेटिंग विंडोज फॉर द लॉकआउट यूजर अकाउंट कितनी करना चाहते हो, नॉर्मली इसको मैं 1 आवर करूँगा, ठीक है, आगे चले। अब लॉकआउट ड्यूरेशन, लॉकआउट ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूँ जी चलो अगर मैंने कहा कि ये एक दिन के लिए इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल में सिंगल जीरो के साथ भी काम कर लेता है, ठीक है। अब ये आपने तमाम सेटिंग्स कर दी, अब इसके अंदर ना एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछता है, मोर एट्रीब्यूट ऑप्शनल, और ऑप्शनल के अंदर जाके आपने बताना है कि ये MSDS पॉलिसी अप्लाइज टू, ठीक है, बाकी फीचर्स क्या है जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ठीक है। अब ये पूछता है कि PSO ये जो है ये आपने अप्लाई किस पे करनी है, तो आपको अब डिस्टिंग्विश्ड नेम देना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश्ड नेम किसका देना है, एंटरप्राइज एडमिन्स का, और ये नाम आपने बड़े ध्यान से देना है, ठीक है, अगर आपको ये नाम याद नहीं आ रहा या आपको समझ नहीं आ रही कि डिस्टिंग्विश्ड नेम कैसे लिखना है, तो आप यूजर्स के अंदर जाएं, एंटरप्राइज एडमिन्स की प्रॉपर्टीज में जाएं, और डिस्टिंग्विश नेम व्यू दैट्स माई मिनी ट्रिक कॉपी कर लें। डिस्टिंग्विश नेम हम बड़ी तसली से पढ़ चुके हैं, कॉमन नेम एंटरप्राइज एडमिन्स, कॉमन नेम यूजर्स यानी यूजर्स के ग्रुप का मेंबर है,
ठीक है, और यूजर्स टाइप का मेंबर है, और फिर डिस्टिंग्विश डोमेन कंट्रोलर इज उर्दू आईटी एकेडमी, और डोमेन कंट्रोलर नेम इज़ कॉम। ठीक है, इसको कॉपी कर लें और आप फिर उसके बाद वापस अपने उसी फीचर सेट में चले जाएं एडिटर के अंदर, और यहाँ पे अब आप ये पेस्ट कर दें और ओके का बटन दबा दें, ये आपकी सेटिंग सेट हो जाएंगी। यही काम मैंने ये यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये तमाम एडिटिंग एडिटर सेटिंग्स जो सी हैं, जो भी हमने डिस्कस की हैं, 1 घंटा, 5 घंटे, 15, 20, 50, ये करने के बाद आपने, ठीक है, जब आप ये कर लोगे, फिर उसके बाद वापस आप यूजर्स ग्रुप में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, मेक श्योर एडवांस फीचर इनेबल हो, व्यू के अंदर जाके एडवांस फीचर्स इनेबल है। ठीक है, और एट्रीब्यूट एडिटर, और एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जाके फिल्टर कर लेना, मेक श्योर करना कंस्ट्रक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, और MSDS रिजल्टेंट PSO। और जब आप इसको व्यू करोगे तो देखो मैंने PSO का नाम क्या दिया था, डोमेन एडमिन्स PSO, कॉमन नेम इज़ पासवर्ड सेटिंग कंटेनर, और कॉमन नेम इज़ इक्वल टू सिस्टम्स उर्दू ITacademy.com। यानी ये PSO अब आपके यूज़र पे इंप्लीमेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेटर पे, और वो उसे रिक्वायर करती है कि ये सेटिंग्स इंप्लीमेंट रहें। ठीक है, अगर आपको कल को चाहते हो कि यार ये पॉलिसी बड़ी अजीबो गरीब सी, आप इसको राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तरीका है PSO इंप्लीमेंट करने का। हंस मैं इस बात पे रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे व्हाट ऑन अर्थ समबडी नीड टू डू दिस, कि इतने खप खपाइए से होके जब ये काम करना है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इधर आपका वो जो इंटरेस्टिंग सा मैंने आपको टूल बताया है, ठीक है, वो टूल काम करेगा। ठीक है, ये SPE कॉप्स पासवर्ड पॉलिसी बेसिक्स, आप इसको क्लिक करें, मेक श्योर करें कि आपकी 2008 लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे आपकी डोमेन हो, अदरवाइज ये टूल भी आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आपकी डोमेन का फंक्शनल लेवल 2008 होना लाजमी है, और ये पासवर्ड पॉलिसी बेसिक्स आ गई, ये पूछेगा इस डोमेन पे पॉलिसी लगानी है, आपने कहना हाँ जी इसी डोमेन पे। अब न्यू पासवर्ड पॉलिसी और नेक्स्ट का बटन, आप चाहते हो मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ कितनी हो जी, मैं चाहता हूँ जी 20 करेक्टर्स, पासवर्ड के नेम माई टेस्ट पॉलिसी। ठीक है, पासवर्ड मीट कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम पासवर्ड एज जो सी है वो होनी चाहिए जी 90 डेज। ठीक है, और मैक्सिमम पासवर्ड, मिनिमम पासवर्ड एज 1, एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, नए स्टोर पासवर्ड, ठीक है, लॉकआउट आफ्टर फेल्ड अटैम्प्ट, कितनी फेल्ड अटैम्प्ट के बाद, मैं कहूँ 3 के बाद लॉक कर दे। ठीक है, एड मेम्बर्स, अब आप यहाँ से मेम्बर्स ऐड कर दो, एडमिन्स चेक डोमेन, चलो एक काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी दिन आने थे कि एडमिनिस्ट्रेटर के स्पेलिंग नहीं याद होते, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर चेक नेम, ओह माय गॉड इट्स अ ग्रुप्स, अच्छा यहाँ ग्रुप टाइप ग्रुप्स है, तो मैं कहता हूँ जी यूजर्स, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, डोमेन एडमिन्स, ठीक है ओके, बर इसने कोई एरर दे दी है, आप लोगों ने खुद इसको देखना है कि ये किस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, बर इसमें आप जब ग्रुप ऐड कर दोगे तो ये आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके लिए पॉलिसी बना देगा, और जब ये पॉलिसी बन जाएगी तो आपको वही काम जो आप एडिटर के अंदर जाके कर रहे थे आपने यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कर लिया। ये फ्री टूल है, ईजी टूल है, कितनी डोमेन्स पे ये पॉलिसीज यूं की इंप्लीमेंट होती हैं अभी तक कम ही एक्सपीरियंस हुआ है, मगर डेफिनेटली अभी 2008 R2 के अंदर ये फीचर आया है, 2008 के अंदर आया आई रफली बिलीव, ठीक है मे बी आई एम रॉन्ग, मगर 2008 के अंदर आया मेरे ख्याल में, R2 से पहले की रिलीज में था ये। तो जू जू लोगों को पता चलेगा, लोग उर्दू आई टी अकेडमी से पढ़ेंगे, उनको ख्याल आएगा, फिर वो ट्राई करके देखेंगे कि, तो आई होप ये टूल जो है बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करता हूँ ये टूल इंस्टॉल करके भी ये लैब करके देखिएगा, और बगैर टूल से तो आपने करनी ही है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी। इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या पढ़ी कि हमने देखा कि ऐप लॉकर, मगर ऐप लॉकर की लैब हमने नहीं की क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं थी, मगर आप लोग कर सकते हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का आपको टेकनेट का वो दिया है, लिंक दिया है अपने यूजफुल लिंक्स में, आप उधर से भी जाके देख सकते हैं, वैसे GPO की सेटिंग्स है आप उससे भी काम कर सकते हो, मगर मेक श्योर करें जब आप ऐप लॉकर करें तो विंडोज सिस्टम 32 के तमाम फोल्डर्स पहले अलाउ कर लीजिएगा, वरना विंडोज ही बूट नहीं होगी आपकी। ठीक
और दूसरी बात ये कि हमने पासवर्ड्स देखे, फिर पासवर्ड्स की जो सी है हमने फाइन ग्रेन पॉलिसी देखी कि अगर हम सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स पे एक स्पेशल परमिशन लगाना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड PSO, और वो हम एक्टिव डायरेक्टरी एडिटर से लगाते हैं, मगर उसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी टूल देखा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से काम करता है। तो दैट इज़ ओवरऑल, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, मुलाकात होती है, अल्लाह।